अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू बायोग्राफी शो। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान की बहुत ही खूबसूरत अदाकारा लैला वास्ती के बारे में। दोस्तों, अगर आप लैला वास्ती के फ़ैन हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लैला वास्ती, जिनका असल नेम सैयदा सायरा वास्ती है, एक पाकिस्तानी टीवी अदाकारा हैं और एक मशहूर टीवी अदाकार तायरा वास्ती की बेटी हैं। इनके वालिद रिजवान वास्ती का ताल्लुक भी शोबिज़ इंडस्ट्री से था। इनके मशहूर ड्रामों में संसार, इल्तिजा, दलदल और किस्मत का लिखा शामिल है। इसने सेंट जोसेफ कानून से अंग्रेज़ी अदब में ग्रेजुएशन किया और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस से फिल्म साजी में मास्टर किया। वो कैंसर की मरीज़ भी रह चुकी हैं। दोस्तों, अगर बात करें, लैला वास्ती एक पाकिस्तानी अदाकारा, मॉडल और डायरेक्टर हैं। इसने 1990 की दिहाई में पीटीवी पर अदाकारी का आगाज़ किया और अपनी ताकतवर अदाकारी से मुतअद्दिद किरदारों को अपने गिरफ्त में लेकर बड़े पैमाने पर पहचान हासिल की। अब अगर बात करें उनकी फैमिली के बारे में, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, लैला वास्ती टीवी की मकबूल अदाकारा तायरा वास्ती की बेटी हैं। वह अगर बात करें, इनके शोहर का नेम फाहद है। इनकी शादी 2008 में अपने शोहर फाहद के साथ शादी के बंधन में बंध गई। जोड़े का एक बेटा भी है। लैला वास्ती की अगर बात करें, कज़न सिस्टर का नेम मारिया वास्ती है, जो कि एक मशहूर पाकिस्तानी फिल्म टेलीविज़न अदाकारा, मॉडल और मेज़बान है। वह अगर बात करें इनकी तालीम के बारे में, तो इसने सेंट जोसेफ कानून से अंग्रेज़ी अदब में बैचलर की डिग्री, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस से फिल्म साजी में मास्टर की डिग्री हासिल की है। वह अगर बात करें इनके फेमस ड्रामास का नेम, तो उसमें पुकार, इतराफ़, साहिबा, हीर वारिस शाह, बादलों पर बसेरा, ख्वाब सिराए और ड्रामा सीरियल संसार शामिल है। दोस्तों, ये थी इनकी बायोग्राफी। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगी। आपको लैला वास्ती कैसे लगते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। अगर आप किसी भी सेलिब्रिटी की बायोग्राफी देखना चाहते हैं तो ये भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।